कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग विश्वासम के बारे में बातें करेंगे। आज मैं आपको विश्वासम के हिडन फैक्ट्स, इसके रिव्यू, इसके निर्देशक कौन है, इसके प्री प्रोडक्शन क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, किस कंपनी के द्वारा उत्पादित किया गया, कौन कौन से कलाकार हैं, ये छायांकन के बारे में बताएंगे, उत्पादन कंपनी बताएंगे, किसके द्वारा इसको वितरित किया गया, कब रिलीज किया गया, सारी बातें आज मैं बताऊंगा। और किस भाषा में ये फिल्म बनी थी, कितना इसका बजट था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, सारे फैक्ट्स हम लोग मैं बताऊंगा आपको। और इसके इस फिल्म की पूरी रिव्यू, पूरी समीक्षा करके मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों, विश्वासम मूवी जो है, ये खास करके आपको ये बनाया गया है तमिल भाषा में, और ये 2019 में ये फिल्म आई थी, जो कि पूर्ण रूपेण तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। और यह शिव द्वारा निर्देशित है। फिल्म में मुख्य जो भूमिका जिन्होंने निभाया है, वो अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू और अनिका सुरेंद्रन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। सत्यज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की घोषणा भी हो गई थी आपको 2 साल पहले, मतलब कि रिलीज के डेट से 2 साल पहले ये फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई थी 20 नवंबर 2017 को ही। और मुख्य फोटोग्राफी जो है वो शुरू की गई थी मई 2018 में। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक जो है वो शिव है, और इसका स्क्रिप्ट जो लिखा गया था वो शिव के द्वारा लिखा गया, आदि नारायण, के मनु मणिकंदन, सावरी मुथु, एंटनी बक्या राज और चंद्रन पचय मुथु के द्वारा इसका स्क्रिप्ट लिखा गया। और उत्पादन कंपनियां हैं, इसके प्रस्तुतकर्ता जो है वो टीजी त्यागराजन है, सेंथिल त्यागराजन और अर्जुन त्यागराजन। और छायांकन जो इसका किया गया वो विट्री पलानीसामी के द्वारा किया गया था, और संपादन रुबेन के द्वारा। और संगीत जो है इस फिल्म का दिया है उन्होंने, जिनका नाम है डी इमान। और खास करके मुख्य उत्पादन कंपनी जो है इस फिल्म की, वो है सत्यज्योति फिल्म्स, और केजेआर स्टूडियो, राजा मन्नार फिल्म्स और शक्ति फिल्म्स फैक्ट्री के द्वारा इसको पूरे हिंदुस्तान में वितरित किया गया। और फिल्म को 10 जनवरी 2019 में रिलीज कर दिया गया था। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी कर दें, जिससे मेरा भी उत्साह बने और आगे भी आपको सारे फैक्ट्स
रिव्यू सब कुछ मैं नए नए फिल्म का, पुरानी फिल्म का, सभी का मैं आपको बताता रहूँ। तो इसका बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आपको मैं बताऊँगा। दोस्तों यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएँ भी मिली थी। डी इमाम ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे संगीत निर्देशक का पुरस्कार भी जीता था। और खास करके इस फिल्म में जो है वो हम लोग अब आगे थोड़ी इसकी हल्की सी डिटेल्स में बता देता हूँ, उसके बाद उस डिटेल्स के बाद मैं इसकी पूरी रिव्यू करके समीक्षा करके भी बताऊँगा। इसमें खास करके थुक्कू दुरई थेनी, जो इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा, ने मैं अपने गाँव कोड्डू विलारपट्टी के प्रतिष्ठित मुखिया और व्यवसायी हैं। 10 साल बाद गांव के अय्यनार मंदिर में एक उत्सव होने वाला है। थुक्कू दुरई का परिवार और उनके दोस्त, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। बहुत विचार विमर्श के बाद थुक्कू दुरई ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। यात्रा के दौरान थुक्कू दुरई के चाचा मेरिट और रोस्मानी थुक्कू दुरई के वर्तमान जीवन से परेशान हैं और 10-12 साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं। थुक्कू दुरई एक खुशमिजाज आदमी और एक चावल मिल का मालिक हुआ करता था, जो समस्याओं से निपटने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करता था। मतलब कि एक तरह से वो लोकल गुंडा था। कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुक्कू दुरई की मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है, जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराती है। जब थुक्कू दुरई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन बाद में अबू दैयप्पन द्वारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुंडों से लड़ने के बाद थुक्कू दुरई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दिया। मतलब कि थुक्कू दुरई का जो रोल इसमें निभाया है वो अजीत कुमार ने निभाया है और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अपना ये रोल किया है। किस तरह से मिल मालिक के लोकल गुंडे और किस तरह से फिर वो निरंजना के प्यार में पड़ता है, सारी कुछ बातें इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया है। निरंजना को थुक्कू दुरई के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है, जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है। वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन निरंजना थुक्कू दुरई के झगड़ों में शामिल होने से बार बार वह परेशान हो जाती है। जल्द ही वह गर्भवती भी हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे वह थुक्कू दुरई के लिए मना कर देती है। अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थुक्कू दुरई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है। उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अबू दैयप्पन, जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, थुक्कू दुरई के साथ झगड़ा करता है। निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थुक्कू दुरई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है। आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निरंजना थुक्कू दुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है। फिर फ्लैशबैक की कुछ कहानी भी इसमें चलती है और उसमें वो दिखाया जाता है फ्लैशबैक के बाद कि थुक्कू दुरई ने निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है
जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है, मतलब कि एथलेटिक्स के लिए उसकी बेटी वो दौड़ रही है। जब श्वेता को कुछ गुंडों के द्वारा, जो कि इसके थुकु दुरई का विरोधी है, उसके द्वारा जब मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है। थुकु दुरई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उसकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी। गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है, और हर चीज में प्रथम स्थान की वो उम्मीद करता है, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल वो करता था। तो ये स्वाभाविक बात है कि शुरू से जो व्यक्ति प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वो बाद में भी चाहेगा कि हम कंटिन्यू प्रथम स्थान ही प्राप्त करें, जबकि वो किसी भी चीज़ में पिछड़ने के बावजूद भी वो चाहता है कि हम आगे रहें, तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद का भी सहारा लेता है, मतलब कि अगर उसे पैसे से खरीदना पड़े आगे बढ़ने के लिए वो भी करता है, अगर उसे गुंडा लगाकर बदमाशी करना पड़ता है, उसको डराना धमकाना पड़ता है तो वो भी करता है जिससे कि वो आगे बढ़ जाए। वही ठीक यहाँ पर थुकु दुरे की जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं। दोस्तों वह अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिली सेकंड धीमी है, मात्र कम सेकंड में ही स्लो हो जाती है। गौतम द्वारा नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया जिससे उसे दौड़ जीतने में मदद मिली। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला, जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वह इस आत्महत्या के प्रयास की प्रक्रिया में वो अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकु दुरई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करे, इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। यह कई मौकों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकु दुरई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकु दुरई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत बिल्कुल ही गंभीर हो गई। अब श्वेता को अपने डॉक्टर रूप में फिर आना पड़ता है, फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकु दुरई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थुकु दुरई से लड़ता है, जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकु दुरई श्वेता के पिता है। श्वेता बैठक के दौरान पिछड़ गई क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। थुकु दुरई गौतम से लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत गई। उसी समय गौतम थुकु दुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकु दुरई गौतम से कहता है कि बच्चों को इसकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि अगर माता पिता के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन अपना अलग होता है, माता पिता के अनुसार अब बच्चों को अगर चलना पड़े तो कहीं ना कहीं वो अपने गोल में बच्चे पिछड़ जाएंगे। ठीक यही जो नसीहत है थुकु दुरई गौतम को देता है। श्वेता को वहाँ पर विजेता घोषित किया गया, साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ थुकु दुरई का नाम जोड़ा और वे
थुकू दुराई के साथ फिर से जुड़ गए। इसमें मुख्य रूप से थुकू दुराई जो है वो अजीत कुमार इसमें है और निरंजना का रोल इसमें नयनतारा निभा रही है। श्वेता थुकू दुराई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिका सुरेंद्र ने काम किया है, जबकि गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू है थुकू दुराई के जो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है। केशवन के रूप में विवेक ने काम किया है और थम्बी रमैया रोशमानी के रूप में है। रोबो शंकर मेरिट के रूप में है और फिरो मीना के रूप में कोवई सरदा ने काम किया है। योगी बाबू वेलू के रूप में है। नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे है और कलई रानी पेची अम्मल के रूप में थुकू दुराई की चाची। थुकू दुराई की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार है और थुकू दुराई की एक और चाची के रूप में रजिता ने काम किया है। थुकू दुराई के चचा के रूप में आर.एन.आर. मनोहर ने काम किया है। थुकू दुराई की दादी के रूप में चेनियम्मा ने काम किया है। जंगली मधुमिता थुकू दुराई की चचेरी बहन के रूप में काम किया है और थुकू दुराई के दोस्त के रूप में रमेश थिलक हैं, नमो नारायण हैं, भरत रेड्डी हैं और भरत रेड्डी जो है वो श्वेता के कोच के रूप में भी उन्होंने काम किया है। गौतम की पत्नी के रूप में सुरेखा वाणी ने काम किया है और गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकाश ने काम किया है। आबू दैयप्पन के रूप में माइम गोपी है। कोजू मुथु के रूप में ओक सुंदर जो कि थुकू दुराई के भी प्रतिद्वंदी के रूप में उन्होंने काम किया है। नारायण लकी निरंजना के सहयोगी प्रबंधक के रूप में है और निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापड़ी घोष है। निरंजना की सहकर्मी के रूप में एक और है साक्षी अग्रवाल और उसके सहयोगी के रूप में है टीएम कार्तिक और निरंजना की एक और सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा ने काम किया है। जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में उन्होंने काम किया है और पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुराईराज ने काम किया। एक और पुलिस कांस्टेबल के रूप में है नमस्ते कंडा स्वामी। मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया। खादर के रूप में छत्रपति शेखर जो कि थुकू दुराई के दोस्त के रूप में है। कोजी मुथु की सहायता के रूप में संपत राम है। एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजा। एक पहलवान के रूप में रवि अवाना। एक कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी और थुकू दुराई के मित्र के रूप में सार्थ साई सिद्धार्थ ने काम किया है। दोस्तों अजीत कुमार ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल एक गांव के गवई किस तरह से वहां पर गांव के लोग रहते हैं वो अपनी किस तरह से वो जीवन बिताते हैं इसका बहुत ही बेहतरीन उन्होंने रोल किया है और एक पिता के रूप में भी उन्होंने जबरदस्त रोल किया है। दोस्तों इस फिल्म के जो खास समीक्षा जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई थी। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ था और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए यह जारी किया गया था। खासकर यह विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को पट्टा के साथ जो कि रजनीकांत की फिल्म है वो उसी के साथ रिलीज किया गया पोंगल के अवसर पर और यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज हुई थी। सेटेलाइट राइट्स सन नेटवर्क को भी बेचा गया था। जो लोग भी फुल मूवी देखना चाहते हैं वो इस पर देख सकते हैं। और ख़ास बात की इस फिल्म की जो मैंने पहले ही बताया था कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा तो इसके फिल्म में तमिलनाडु में कुल 15 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए थे। केरल में 2 करोड़ रुपया, कर्नाटक में 1.5 करोड़ रुपया से अधिक उसने कमाई की थी और शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की, 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ रुपए के साथ इसने कमाई की थी। फिल्म ने भारत में 2 दिनों में 33.50 करोड़ की कमाई की थी जो कि बहुत ही अच्छी कमाई है। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इसके सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कलेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ, नहीं हुआ। दोस्तों इस फिल्म की वास्तविक कहानी सामने आते ही
कथानक पूर्वानुमय हो जाता है, लेकिन अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजक फिल्म तो जरूर बनाती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी का जो एक गांव का गुंडा है और अपने पैतृक गांव में विवादों को सुलझाता है, उसे तब बड़ा झटका लगता है जब वह कई वर्षों के बाद अपनी शादी में आई खटास को सुलझाने की कोशिश करता है वहाँ भी, और इसी पर पूरी फिल्म को फिल्माया गया, केंद्र बिंदु इसी को रखा गया। दोस्तों, इसकी समीक्षा के क्रम में हम यह पाते हैं कि अजीत और शिवा ने विश्वासम में चौथी बार दोनों ने सहयोग किया है। इस बार यह जोड़ी अपनी जड़ों की ओर वापस चली गई है। प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों के लिए शामिल सामग्री के संदर्भ में फिल्म में उनकी पहली रिलीज वीरम के साथ अधिक समानता है। बाद की तरह यह भी एक ऐसे गांव पर आधारित है जिसके नायक को उसकी वीरता और ईमानदारी के कारण गांव वाले प्यार करते हैं। थुकू दुराई, जो कि अजीत ने काम किया है, अपने परिवार का प्रिय है और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीता है। उसका जीवन तब बदल जाता है जब डॉक्टर निरंजना, जो कि नयनतारा ने इस रोल को किया है, एक चिकित्सा शिविर के लिए उसके गांव आती है। हालांकि उन दोनों के चरित्र बिल्कुल ही विपरीत है, फिर भी उन्होंने शादी कर दी क्योंकि निरंजना को दृढ़ विश्वास था कि वे एक अच्छी जोड़ी बनाएंगे। क्योंकि निरंजना एक तरफ जो डॉक्टर है और थुकू दुराई जो एक लोकल गुंडा है, बिल्कुल नदी का ये दो किनारा है कि दोनों कभी मिल नहीं सकता है। फिर भी निरंजना ने, मतलब कि नयनतारा ने दोनों को एक जगह करके उसे एक विश्वास था कि ये सुधर जाएगा और हमारी जोड़ी अच्छी चलेगी। हालांकि दुरई की निर्णय लेने में जल्दबाजी और पिता बनने के बाद भी विवादों को निपटाने से दूर रहने की अनिच्छा उनके रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। निराश निरंजना अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ मुंबई चली जाती है। दुरई, जिसे उसके परिवार के सदस्य लगातार अपनी पत्नी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए कहते थे, उससे और अपनी बेटी से मिलने के लिए मुंबई जाता है, जिनसे वह लगभग एक दशक से नहीं मिला है। मुंबई पहुंचने पर उसे पता चला कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। गौतम वीर, जो कि जगपति बाबू ने इस रोल को किया है, एक कुटिल बिजनेस टाइकून है, उसकी जान लेना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि उसकी बेटी की खराब स्वास्थ्य का कारण ये थुकू दुरई की बेटी ही है। दुरई अपनी बेटी को गौतम से कैसे बचाता है, यह कहानी का ही बाकी हिस्सा है। पटकथा को स्टार के प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों दोनों को खुश करने के लिए इस तरह से विकसित किया गया है। ऐसे दृश्य हैं जहाँ अजीत के प्रशंसक आनंदित होते हैं, जबकि पर्याप्त भावनात्मक तत्व है जो कहानी के साथ मेल खाते हैं, और अंत में एक इस फिल्म के माध्यम से संदेश भी दिया जाता है। बैक टू बैक फिल्मों में जीवन से बड़े नायक की भूमिका निभाने के बाद अजीत के लिए यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि कहानी में ऐसे दृश्य हैं जहां अन्य पात्र उन पर हावी हैं। येनल अरिंधल के बाद एक दयालु पिता के रूप में उनकी भूमिका उन लोगों द्वारा पसंद की गई जो पारिवारिक नाटक भी पसंद करते हैं। नयनतारा और बेबी अनिका अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत फिल्म की अनेडिट है। इसमें जो नयनतारा की बेटी का जिन्होंने अनिका ने रोल किया है, उन्होंने भी ज़बरदस्त रोल किया है, बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने किया है। हालांकि विवेक थम्बी रमैया और रोबो शंकर जैसे अन्य कलाकारों के साथ भी एक अच्छी प्रस्तुति है जो उनसे अपेक्षित भी है। फिल्म में कुछ भी नया तो नहीं है, लेकिन उसी को जो फिल्म बनी है उसी ढर्रा को थोड़ा अच्छे ढंग से और भी फिल्माया जा सकता था। फिल्म अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुँचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने पर कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है, लेकिन अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजक फिल्म तो निश्चित रूप से इसे बनाती है। खाला अजीत को बड़े पर्दे पर देखना हमेशा से ही सुखद होता है और उनकी फिल्म रिलीज हर बार एक
उत्सव की तरह ही होती है। और इस बार जो उत्सव विश्वासम के लिए जो दर्शकों ने 2019 में बनाया, जो तीन परियोजनाओं वीरम, वेदालम और विवेगम में काम करने के बाद निर्देशक शिवा के साथ अरिजीत की ये चौथी बड़ी साझेदारी का प्रतीक है। मतलब कि जो निर्देशक शिवा है वो कंटिन्यू अरिजीत कुमार को लेकर ही फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म निश्चित रूप से ब्लॉकबस्टर हो जाती है, क्योंकि वीरम भी बहुत बेहतरीन फिल्म उन्होंने बनाई, वेदालम उससे भी बेहतरीन फिल्म बनाई और विवेगम भी सुपर डुपर हिट फिल्म बनी और ये उनकी चौथी प्रोडक्शन है विश्वासम। यहाँ अजीत की विश्वासम पर हमारी समीक्षा है जिसमें नयन तारा जगपति बाबू, थम्बी रमैया, योगी बाबू, रोबो शंकर और अन्य भी सह कलाकार हैं। विश्वासम का ये ट्रेलर का अंतिम शॉर्ट फिल्म की एक पंक्ति का सुझाव भी दिया था। और हाँ, एक तो बात निश्चित है कि विश्वासम एक पारिवारिक व्यक्ति थुकु दुरई के बारे में है जो अपनी बेटी और पत्नी को हर कीमत पर नकारात्मक ताकतों से बचाने का इरादा रखता है और वादा करता है। क्या उसने प्रतिपक्षी पर जीत हासिल की, यह आगे की बाकी कहानी बताती है। अजीत का परिचय दृश्य पूरी तरह से मार्ग निर्धारित करता है और बेसमेंट का निर्माण बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें किया गया है। फिल्म का पहला भाग उत्सव के मूड से भरा है क्योंकि उसमें गांव है, गांव के लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, गांव के पगडंडी है, नदी नाले दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन उसमें लगता है जो समग्र माहौल को मंत्रमुग्ध कर देता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में कुछ कम अंकों के साथ गिरावट आई है। फिल्म के जो शुरुआत में जो ट्रेलर दिखाया गया था, जो हाई मोमेंट्स उसमें दिखा गया था, वही फिल्म में भी हाई पॉइंट्स बन जाते हैं। पारिवारिक भावनाएं अच्छी तरह से इस फिल्म में काम करती है और इसे ज़्यादा नहीं किया जाता है। थुकु दुरई के रूप में अजीत पूरी तरह से चमकते हैं और उनकी अल्लप्पा राई पूरी तरह से आनंददायक है। कहानी दो अलग अलग जगहों कोडू विरार पट्टी और मुंबई में घटित होती है और अजीत अपने अभिनय में काफ़ी भिन्नता दिखाते हैं। मतलब कि कोडू विरार पट्टी जो कि पूर्ण रूप से ये गवई का माहौल है, गांव का माहौल है, और मुंबई में एक घटना दिखाया जाता है पूर्ण रूप से मेट्रो सिटी है। दोनों को अलग अलग दिखाकर उसको एक साथ जोड़ा जाता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से शिवा ने ये काम किया है। उनकी मधुरा बोली स्वाभिवक्ता और प्रामाणिकता को बढ़ाती है। हल्के फुल्के दृश्यों में अजीत अपने कैजुअल बेस्ट लुक में नजर आते हैं। जब भी पटकथा में गिरावट आती है अजीत एक तारणहार के रूप में सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनके आते ही एक अलग तरह का माहौल दर्शकों में हो जाता है। यह एक बात तो भूलना भी नहीं चाहिए कि अदची थुकु के आखिरी हिस्से में थाला अजीत का सिंगल टेक डांस भी बहुत बेहतरीन काम करता है। दर्शक निश्चित रूप से उस हिस्से का खूब आनंद लिए थे। नयन तारा स्क्रीन पर चमकदार दिखती हैं और उन्हें एक सशक्त भूमिका भी इस फिल्म में निभानी थी, जो हर जगह यात्रा भी करती रहती है। बेबी अनिका खूबसूरती से भाव व्यक्त करती है, बहुत ही मासूमियत से वो किसी भी बात को बोलती है, कहती है, जिससे कि फिल्म में जाना जाता है। और अजीत के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत ही काम आती है। अजीत और अनोखा के बीच का खेल देखना दिलचस्प है, क्योंकि अजीत को ये शो करना था कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, और अनोखी अनिका जो है उसको ये भी मालूम नहीं है कि ये जिसको मैं अंकल बोल रहा हूँ, ड्राइवर के रूप में जो कभी एक 10 दिनों के लिए उन्होंने काम किया था, ये हमारे पिता हैं। हास्य कलाकारों का पूरा समूह अपने सीमित समय के साथ अच्छा काम करता है। और इसका नकारात्मक पहलू ये है कि विश्वासम की कहानी न केवल बहुत पतली है बल्कि उपचार भी एक टेम्पलेट में है, और परिणाम स्वरूप आप आगामी दृश्यों की भविष्यवाणी करते हैं। कॉमेडी का एक निश्चित वर्ग अपेक्षित हंसी नहीं लाता है। अन्य व्यावसायिक सामूहिक मनोरंजनकर्ताओं की तरह विश्वासम में भी कमजोर लिखित खलनायक होने की समस्या है। यदि प्रतिपक्षी के पास मजबूत चरित्र चित्रण होता तो अजीत और जगपति बाबू के बीच आमना सामना
खूब ही रोमांचक हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस जगह पर फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। प्रति पक्षी के क्रोध के पीछे का तर्क पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्षी ये कहता है कि थुकुदुरे की बेटी के कारण ही मेरी बेटी का ये हाल हो गया है, मतलब कि वो लकवाग्रस्त हो गई है, जो कि ये फिल्म को खूब ट्रैक पे जो एक होता है कि दर्शकों में एक उत्साह पैदा करता है कि ऐसा क्या हुआ था, जो कि बिल्कुल ही सिंपल और साधारण तरीके में इसे बता दिया जाता है, जो कि वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। और इसके आगे डी ईमान का संपादित बैकग्राउंड स्कोर दृश्य की तीव्रता को एक अलग स्तर तक बढ़ा देता है और क्रू में उनका नाम एक मूल्यवान अतिरिक्त है। गाने के प्लेसमेंट ने भी सौभाग्य से फिल्म के पक्ष में काम किया है। वेट्री के दृश्य फिल्म के लिए समान रूप से सहायक है और अजीज के स्टारों को जमकर वहाँ पर बढ़ाते हैं। कन्नाना कन्नी गाने का फिल्मांकन एक पिता और बेटी के बीच की खूबसूरत भावनाओं को सामने लाता है। कुछ उल्लेखनीय शॉट्स अजीत और उनके प्रशंसकों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। निर्देशक के शिवा ने अपने इरादों को लेकर बहुत ही स्पष्ट है, जो पारिवारिक भावना और अन्य तत्वों से भरा एक मनोरंजक ग्रामीण एक्शन ड्रामा प्रस्तुत करते हैं। वह प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों की नब्ज को समझते हैं और एक मनोरंजक उत्पाद पेश करते हैं। यह गलत नहीं होगा कि अगर हम अजीत और शिवा के संयोजन की चार फिल्मों में से विश्वासम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में लेबल करें। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला अजीत ये प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए सही व्यवसायिक तत्वों के साथ इसे पैक किया गया है। अजीत की विश्वासम भावनाओं और सामूहिक दृश्यों के साथ व्यवसायिक रूप से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, जो कि दोस्तों आज हम लोग विश्वासम के बारे में बातें करेंगे। आज मैं आपको विश्वासम के हिडन फैक्ट्स, इसके रिव्यू, इसके निर्देशक कौन है, इसके प्री प्रोडक्शन क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, किस कंपनी के द्वारा उत्पादित किया गया, कौन कौन से कलाकार हैं, ये छायांकन के बारे में बताएंगे, उत्पादन कंपनी बताएंगे, किसके द्वारा इसको वितरित किया गया, कब रिलीज किया गया, सारी बातें आज मैं बताऊंगा। और किस भाषा में ये फिल्म बनी थी, कितना इसका बजट था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, सारे फैक्ट्स हम लोग मैं बताऊंगा आपको। और इसके इस फिल्म की पूरी रिव्यू, पूरी समीक्षा करके मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों विश्वासम मूवी जो है ये खास करके आपको ये बनाया गया है तमिल भाषा में, और ये 2019 में ये फिल्म आई थी, जो कि पूर्ण रूपेण तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। और यह शिव द्वारा निर्देशित है। फिल्म में मुख्य जो भूमिका जिन्होंने निभाया है वो अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू और अनिका सुरेंद्रन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। सत्यज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की घोषणा भी हो गई थी आपको 2 साल पहले, मतलब कि रिलीज के डेट से 2 साल पहले ये फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई थी 20 नवंबर 2017 को ही। और मुख्य फोटोग्राफी जो है वो शुरू की गई थी मई 2018 में। दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक जो है वो शिव है, और इसका स्क्रिप्ट जो लिखा गया था वो शिव के द्वारा लिखा गया, आदि नारायण, के मनु मणिकंदन, सावरी मुथु, एंटनी बक्या राज और चंद्रन पचय मुथु के द्वारा इसका स्क्रिप्ट लिखा गया। और उत्पादन कंपनियां हैं, इसके प्रस्तुतकर्ता जो है वो टीजी त्यागराजन है, सेंथिल त्यागराजन और अर्जुन त्यागराजन। और छायांकन जो इसका किया गया वो विट्री पलानीसामी के द्वारा किया गया था, और संपादन रुबेन के द्वारा। और संगीत जो है इस फिल्म का दिया है उन्होंने, जिनका नाम है डी ईमान। और खास करके मुख्य उत्पादन कंपनी जो है इस फिल्म की वो है सत्यज्योति फिल्म्स, और केजेआर स्टूडियो, राजा मन्नार फिल्म्स और शक्ति फिल्म्स फैक्ट्री के द्वारा इसको पूरे हिंदुस्तान में वितरित किया गया, और फिल्म को 10 जनवरी 2019 में रिलीज कर दिया गया था।
दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी कर दें, जिससे मेरा भी उत्साह बने और आगे भी आपको सारे फैक्ट्स रिव्यू सब कुछ मैं नए नए फिल्म का, पुरानी फिल्म का, सभी का मैं आपको बताता रहूं। तो इसका बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएँ भी मिली थी। डी इमाम ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार भी जीता था और खास करके इस फिल्म में जो है वो हम लोग अब आगे थोड़ी इसकी हल्की सी डिटेल्स में बता देता हूँ, उसके बाद उस डिटेल्स के बाद मैं इसकी पूरी रिव्यू करके समीक्षा करके भी बताऊँगा। इसमें खास करके थुक्कु दुरई थेनी, जो इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा, ने मैं अपने गाँव कुड्डू विलारपट्टी के प्रतिष्ठित मुखिया और व्यवसायी हैं। 10 साल बाद गाँव के अय्यनार मंदिर में एक उत्सव होने वाला है। थुक्कु दुरई का परिवार और उनके दोस्त, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। बहुत विचार विमर्श के बाद थुक्कु दुरई ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। यात्रा के दौरान थुक्कु दुरई के चाचा मेरिट और रोस्मानी थुक्कु दुरई के वर्तमान जीवन से परेशान हैं और 10-12 साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं। थुक्कु दुरई एक खुश मिजाज आदमी और एक चावल मिल का मालिक हुआ करता था, जो समस्याओं से निपटने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करता था, मतलब कि एक तरह से वो लोकल गुंडा था। कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुक्कु दुरई की मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है, जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराती है। जब थुक्कु दुरई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है, लेकिन बाद में अबू दैयप्पन द्वारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुंडों से लड़ने के बाद थुक्कु दुरई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दिया, मतलब कि थुक्कु दुरई का जो रोल इसमें निभाया है वो अजीत कुमार ने निभाया है और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अपना रोल किया है। किस तरह से मिल मालिक के लोकल गुंडे और किस तरह से फिर वो निरंजना के प्यार में पड़ता है, सारी कुछ बातें इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया है। निरंजना को थुक्कु दुरई के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है, जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है। वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं, लेकिन निरंजना थुक्कु दुरई के झगड़ों में शामिल होने से बार बार वो परेशान हो जाती है। जल्द ही वह गर्भवती भी हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे वह थुक्कु दुरई के लिए मना कर देती है। अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थुक्कु दुरई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है। उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अबू दैयप्पन, जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, थुक्कु दुरई के साथ झगड़ा करता है। निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थुक्कु दुरई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है। आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निरंजना थुक्कु दुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है। फिर फ्लैशबैक की कुछ कहानी भी इसमें चलती है और उसमें वो दिखाया जाता है फ्लैशबैक के बाद कि थुक्कु दुरई ने निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है, मतलब कि एथलेटिक्स के लिए उसकी बेटी वो दौड़ रही है। जब श्वेता को कुछ गुंडों के द्वारा, जो कि इसके थुकु दुरई का विरोधी है, उसके द्वारा जब मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है। थुकु दुरई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उसकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी। गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है और हर चीज में प्रथम स्थान की वो उम्मीद करता है, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल वो करता था। तो ये स्वाभाविक बात है कि शुरू से जो व्यक्ति प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वो बाद में भी चाहेगा कि हम कंटिन्यू प्रथम स्थान ही प्राप्त करें, जबकि वो किसी भी चीज़ में पिछड़ने के बावजूद भी वो चाहता है कि हम आगे रहें। तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद का भी सहारा लेता है, मतलब कि अगर उसे पैसे से खरीदना पड़े आगे बढ़ने के लिए वो भी करता है, अगर उसे गुंडा लगाकर बदमाशी करना पड़ता है, उसको डराना धमकाना पड़ता है तो वो भी करता है जिससे कि वो आगे बढ़ जाए। वही ठीक यहाँ पर थुकु दुरई की जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं। दोस्तों वह अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिली सेकंड धीमी है, मात्र कम सेकंड में ही स्लो हो जाती है। गौतम द्वारा नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया जिससे उसे दौड़ जीतने में मदद मिली। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वह इस आत्महत्या के प्रयास की प्रक्रिया में वो अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकु दुरई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करे, इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। यह कई मौकों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकु दुरई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकु दुरई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत बिल्कुल ही गंभीर हो गई। अब श्वेता को अपने डॉक्टर रूप में फिर आना पड़ता है, फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकु दुरई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थुकु दुरई से लड़ता है, जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकु दुरई श्वेता के पिता है। श्वेता बैठक के दौरान पिछड़ गई क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। थुकु दुरई गौतम से लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत गई। उसी समय गौतम थुकु दुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकु दुरई गौतम से कहता है कि बच्चों को इसकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि अगर माता पिता के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन अपना अलग होता है, माता पिता के अनुसार अब बच्चों को अगर चलना पड़े तो कहीं ना कहीं वो अपने गोल में बच्चे पिछड़ जाएंगे। ठीक यही जो नसीहत है थुकु दुरई गौतम को देता है। श्वेता को वहाँ पर विजेता घोषित किया गया, साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ
थुकुदुरई का नाम जुड़ा और वे थुकुदुरई के साथ फिर से जुड़ गए। इसमें मुख्य रूप से थुकुदुरई जो है वो अजीत कुमार इसमें है और निरंजना का रोल इसमें नयनतारा निभा रही है। श्वेता थुकुदुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्रन ने काम किया है, जबकि गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू हैं थुकुदुरई के जो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है। केशवन के रूप में विवेक ने काम किया है और थम्बी रमैया रोशमानी के रूप में है। रोबो शंकर मेरिट के रूप में है और फिरो मीना के रूप में कोवई सरदा ने काम किया है। योगी बाबू वेलू के रूप में है। नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे हैं और कलई रानी पेची अम्मल के रूप में थुकुदुरई की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार है और थुकुदुरई की एक और चाची के रूप में रजिता ने काम किया है। थुकुदुरई के चचा के रूप में आर.एन.आर. मनोहर ने काम किया है। थुकुदुरई की दादी के रूप में चेनियम्मा ने काम किया है। जंगली मधुमिता थुकुदुरई की चचेरी बहन के रूप में काम किया है और थुकुदुरई के दोस्त के रूप में रमेश थिलक हैं, नमो नारायण हैं, भरत रेड्डी हैं और भरत रेड्डी जो है वो श्वेता के कोच के रूप में भी उन्होंने काम किया है। गौतम की पत्नी के रूप में सुरेखा वाणी ने काम किया है और गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकाश ने काम किया है। आबू दैयप्पन के रूप में माइम गोपी हैं। कोजू मुथु के रूप में ओक सुंदर जो कि थुकुदुरई के भी प्रतिद्वंदी के रूप में उन्होंने काम किया है। नारायण लकी निरंजना के सहयोगी प्रबंधक के रूप में हैं और निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापड़ी घोष है। निरंजना की सहकर्मी के रूप में एक और है साक्षी अग्रवाल और उसके सहयोगी के रूप में है टीएम कार्तिक और निरंजना की एक और सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा ने काम किया है। जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में उन्होंने काम किया है और पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुरईराज ने काम किया। एक और पुलिस कांस्टेबल के रूप में है नमस्ते कंडा स्वामी। मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया। खादर के रूप में छत्रपति शेखर जो कि थुकुदुरई के दोस्त के रूप में है। कोजी मुथु की सहायता के रूप में संपत राम है। एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजा। एक पहलवान के रूप में रवि अवाना। एक कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी और थुकुदुरई के मित्र के रूप में साई सिद्धार्थ ने काम किया है। दोस्तों अजीत कुमार ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल एक गांव के गवई किस तरह से वहां पर गांव के लोग रहते हैं वो अपनी किस तरह से वो जीवन बिताते हैं इसका बहुत ही बेहतरीन उन्होंने रोल किया है और एक पिता के रूप में भी उन्होंने जबरदस्त रोल किया है। दोस्तों इस फिल्म के जो खास समीक्षा जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई थी। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ था और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए यह जारी किया गया था। खासकर यह विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को पट्टा के साथ जो कि रजनीकांत की फिल्म है वो उसी के साथ रिलीज किया गया पोंगल के अवसर पर और यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज हुई थी। सेटेलाइट राइट्स सन नेटवर्क को भी बेचा गया था। जो लोग भी फुल मूवी देखना चाहते हैं वो इस पर देख सकते हैं। और ख़ास बात की इस फिल्म की जो मैंने पहले ही बताया था कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा तो इसके फिल्म में तमिलनाडु में कुल 15 करोड़ रुपये इस फिल्म ने कमाए थे। केरल में 2 करोड़ रुपया, कर्नाटक में 1.5 करोड़ रुपया से अधिक उसने कमाई की थी और शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की, 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ रुपये के साथ इसने कमाई की थी। फिल्म ने भारत में 2 दिनों में 33.50 करोड़ की कमाई की थी जो कि बहुत ही अच्छी कमाई है। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ रुपए की कमाई की थी जिसमें मैंने पहले ही बताया था कि इसके सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कलेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ, नहीं हुआ। दोस्तों इस फिल्म की वास्तविक कहानी सामने आते ही
कथानक पूर्वानुमय हो जाता है, लेकिन अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजक फिल्म तो जरूर बनाती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी का जो एक गांव का गुंडा है और अपने पैतृक गांव में विवादों को सुलझाता है, उसे तब बड़ा झटका लगता है जब वह कई वर्षों के बाद अपनी शादी में आई खटास को सुलझाने की कोशिश करता है वहाँ भी, और इसी पर पूरी फिल्म को फिल्माया गया, केंद्र बिंदु इसी को रखा गया। दोस्तों, इसकी समीक्षा के क्रम में हम यह पाते हैं कि अजीत और शिवा ने विश्वासम में चौथी बार दोनों ने सहयोग किया है। इस बार यह जोड़ी अपनी जड़ों की ओर वापस चली गई है। प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों के लिए शामिल सामग्री के संदर्भ में फिल्म में उनकी पहली रिलीज वीरम के साथ अधिक समानता है। बाद की तरह यह भी एक ऐसे गांव पर आधारित है जिसके नायक को उसकी वीरता और ईमानदारी के कारण गांव वाले प्यार करते हैं। थुकु दुराई, जो कि अजीत ने काम किया है, अपने परिवार का प्रिय है और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीता है। उसका जीवन तब बदल जाता है जब डॉक्टर निरंजना, जो कि नयनतारा ने इस रोल को किया है, एक चिकित्सा शिविर के लिए उसके गांव आती है। हालांकि उन दोनों के चरित्र बिल्कुल ही विपरीत है, फिर भी उन्होंने शादी कर ली क्योंकि निरंजना को दृढ़ विश्वास था कि वे एक अच्छी जोड़ी बनाएंगे। क्योंकि निरंजना एक तरफ जो डॉक्टर है और थुकु दुराई जो एक लोकल गुंडा है, बिल्कुल नदी का ये दो किनारा है कि दोनों कभी मिल नहीं सकता है। फिर भी निरंजना ने, मतलब कि नयनतारा ने, दोनों को एक जगह करके उसे विश्वास था कि ये सुधर जाएगा और हमारी जोड़ी अच्छी चलेगी। हालांकि दुरई की निर्णय लेने में जल्दबाजी और पिता बनने के बाद भी विवादों को निपटाने से दूर रहने की अनिच्छा उनके रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। निराश निरंजना अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ मुंबई चली जाती है। दुरई, जिसे उसके परिवार के सदस्य लगातार अपनी पत्नी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए कहते थे, उससे और अपनी बेटी से मिलने के लिए मुंबई जाता है, जिनसे वह लगभग एक दशक से नहीं मिला है। मुंबई पहुंचने पर उसे पता चला कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। गौतम वीर, जो कि जगपति बाबू ने इस रोल को किया है, एक कुटिल बिजनेस टाइकून है, उसकी जान लेना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि उसकी बेटी की खराब स्वास्थ्य का कारण ये थुकु दुरई की बेटी ही है। दुरई अपनी बेटी को गौतम से कैसे बचाता है, यह कहानी का ही बाकी हिस्सा है। पटकथा को स्टार के प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों दोनों को खुश करने के लिए इस तरह से विकसित किया गया है। ऐसे दृश्य है जहाँ अजीत के प्रशंसक आनंदित होते हैं, जबकि पर्याप्त भावनात्मक तत्व है जो कहानी के साथ मेल खाते हैं, और अंत में एक इस फिल्म के माध्यम से संदेश भी दिया जाता है। बैक टू बैक फिल्मों में जीवन से बड़े नायक की भूमिका निभाने के बाद अजीत के लिए यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि कहानी में ऐसे दृश्य हैं जहां अन्य पात्र उन पर हावी हैं। येनल अरिंधल के बाद एक दयालु पिता के रूप में उनकी भूमिका उन लोगों द्वारा पसंद की गई जो पारिवारिक नाटक भी पसंद करते हैं। नयनतारा और बेबी अनीता अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत फिल्म की अनेडिट है। इसमें जो नयनतारा की बेटी का, जिन्होंने अनीता ने रोल किया है, उन्होंने भी ज़बरदस्त रोल किया है, बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने किया है। हालांकि विवेक थम्बी रमैया और रोबो शंकर जैसे अन्य कलाकारों के साथ भी एक अच्छी प्रस्तुति है जो उनसे अपेक्षित भी है। फिल्म में कुछ भी नया तो नहीं है, लेकिन उसी को जो फिल्म बनी है उसी ढर्रा को थोड़ा अच्छे ढंग से और भी फिल्माया जा सकता था। फिल्म अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुँचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने पर कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है, लेकिन अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजक फिल्म तो निश्चित रूप से इसे बनाती है। थाला अजीत को बड़े पर्दे पर देखना हमेशा से ही सुखद होता है और उनकी फिल्म रिलीज हर बार एक
उत्सव की तरह ही होती है। और इस बार जो उत्सव विश्वासम के लिए जो दर्शकों ने 2019 में बनाया, जो तीन परियोजनाओं वीरम, वेदालम और विवेगम में काम करने के बाद निर्देशक शिवा के साथ अरिजीत की ये चौथी बड़ी साझेदारी का प्रतीक है। मतलब कि जो निर्देशक शिवा है वो कंटिन्यू अरिजीत कुमार को लेकर ही फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म निश्चित रूप से ब्लॉकबस्टर हो जाती है, क्योंकि वीरम भी बहुत बेहतरीन फिल्म उन्होंने बनाई, वेदालम उससे भी बेहतरीन फिल्म बनाई और विवेगम भी सुपर डुपर हिट फिल्म बनी और ये उनकी चौथी प्रोडक्शन है विश्वासम। यहाँ अजीत की विश्वासम पर हमारी समीक्षा है जिसमें नयन तारा जगपति बाबू, थम्बी रमैया, योगी बाबू, रोबो शंकर और अन्य भी सह कलाकार हैं। विश्वासम का ये ट्रेलर का अंतिम शॉट फिल्म की एक पंक्ति का सुझाव भी दिया था। और हाँ, एक तो बात निश्चित है कि विश्वासम एक पारिवारिक व्यक्ति थुकू दुरई के बारे में है जो अपनी बेटी और पत्नी को हर कीमत पर नकारात्मक ताकतों से बचाने का इरादा रखता है और वादा करता है। क्या उसने प्रतिपक्षी पर जीत हासिल की, यह आगे की बाकी कहानी बताती है। अजीत का परिचय दृश्य पूरी तरह से मार्ग निर्धारित करता है और बेसमेंट का निर्माण बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें किया गया है। फिल्म का पहला भाग उत्सव के मूड से भरा है क्योंकि उसमें गांव है, गांव के लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, गांव के पगडंडी है, नदी नाले दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन उसमें लगता है जो समग्र माहौल को मंत्रमुग्ध कर देता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में कुछ कम अंकों के साथ गिरावट आई है। फिल्म के जो शुरुआत में जो ट्रेलर दिखाया गया था, जो हाई मोमेंट्स उसमें दिखा गया था, वही फिल्म में भी हाई पॉइंट्स बन जाते हैं। पारिवारिक भावनाएं अच्छी तरह से इस फिल्म में काम करती है और इसे ज़्यादा नहीं किया जाता है। थुकू दुरई के रूप में अजीत पूरी तरह से चमकते हैं और उनकी अलप्पा राई पूरी तरह से आनंददायक है। कहानी दो अलग अलग जगहों कोडू विरार पट्टी और मुंबई में घटित होती है और अजीत अपने अभिनय में काफ़ी भिन्नता दिखाते हैं। मतलब कि कोडू विरार पट्टी जो कि पूर्ण रूप से ये गवई का माहौल है, गांव का माहौल है, और मुंबई में एक घटना दिखाया जाता है पूर्ण रूप से मेट्रो सिटी है। दोनों को अलग अलग दिखाकर उसको एक साथ जोड़ा जाता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से शिवा ने ये काम किया है। उनकी मधुर बोली स्वाभिव्यक्ता और प्रामाणिकता को बढ़ाती है। हल्के फुल्के दृश्यों में अजीत अपने कैजुअल बेस्ट लुक में नजर आते हैं। जब भी पटकथा में गिरावट आती है अजीत एक तारणहार के रूप में सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनके आते ही एक अलग तरह का माहौल दर्शकों में हो जाता है। यह एक बात तो भूलना भी नहीं चाहिए कि अदची थुकू के आखिरी हिस्से में थाला अजीत का सिंगल टेक डांस भी बहुत बेहतरीन काम करता है। दर्शक निश्चित रूप से उस हिस्से का खूब आनंद लिए थे। नयन तारा स्क्रीन पर चमकदार दिखती हैं और उन्हें एक सशक्त भूमिका भी इस फिल्म में निभानी थी, जो हर जगह यात्रा भी करती रहती है। बेबी अनिका खूबसूरती से भाव व्यक्त करती है, बहुत ही मासूमियत से वो किसी भी बात को बोलती है, कहती है, जिससे कि फिल्म में जाना जाता है। और अजीत के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत ही काम आती है। अजीत और अनोखा के बीच का खेल देखना दिलचस्प है, क्योंकि अजीत को ये शो करना था कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, और अनोखा जो है उसको ये भी मालूम नहीं है कि ये जिसको मैं अंकल बोल रहा हूँ, ड्राइवर के रूप में जो कभी 10 दिनों के लिए उन्होंने काम किया था, ये हमारे पिता है। हास्य कलाकारों का पूरा समूह अपने सीमित समय के साथ अच्छा काम करता है। और इसका नकारात्मक पहलू ये है कि विश्वासम की कहानी न केवल बहुत पतली है बल्कि उपचार भी एक टेम्पलेट में है, और परिणाम स्वरूप आप आगामी दृश्यों की भविष्यवाणी करते हैं। कॉमेडी का एक निश्चित वर्ग अपेक्षित हंसी नहीं लाता है। अन्य व्यावसायिक सामूहिक मनोरंजनकर्ताओं की तरह विश्वासम में भी कमजोर लिखित खलनायक होने की समस्या है। यदि प्रतिपक्षी के पास मजबूत चरित्र चित्रण होता तो अजीत और जगपति बाबू के बीच आमना सामना
खूब ही रोमांचक हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस जगह पर फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। प्रति पक्षी के क्रोध के पीछे का तर्क पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्षी ये कहता है कि थुकुदुरे की बेटी के कारण ही मेरी बेटी का ये हाल हो गया है, मतलब कि वो लकवाग्रस्त हो गई है, जो कि ये फिल्म को खूब ट्रैक पे जो एक होता है कि दर्शकों में एक उत्साह पैदा करता है कि ऐसा क्या हुआ था, जो कि बिल्कुल ही सिंपल और साधारण तरीके में इसे बता दिया जाता है, जो कि वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। और इसके आगे डी ईमान का संपादित बैकग्राउंड स्कोर दृश्य की तीव्रता को एक अलग स्तर तक बढ़ा देता है और क्रू में उनका नाम एक मूल्यवान अतिरिक्त है। गाने के प्लेसमेंट ने भी सौभाग्य से फिल्म के पक्ष में काम किया है। वेट्री के दृश्य फिल्म के लिए समान रूप से सहायक है और अजीज के स्टारों को जमकर वहाँ पर बढ़ाते हैं। कन्नाना कन्नी गाने का फिल्मांकन एक पिता और बेटी के बीच की खूबसूरत भावनाओं को सामने लाता है। कुछ उल्लेखनीय शॉट्स अजीत और उनके प्रशंसकों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। निर्देशक शिवा ने अपने इरादों को लेकर बहुत ही स्पष्ट है, जो पारिवारिक भावनाओं और अन्य तत्वों से भरा एक मनोरंजक ग्रामीण एक्शन ड्रामा प्रस्तुत करते हैं। वह प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों की नब्ज को समझते हैं और एक मनोरंजक उत्पाद पेश करते हैं। यह गलत नहीं होगा कि अगर हम अजीत और शिवा के संयोजन की चार फिल्मों में से विश्वासम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में लेबल करें। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और खाला अजीत ये प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए सही व्यवसायिक तत्वों के साथ इसे पैक किया गया है। अजीत की विश्वासम भावनाओं और सामूहिक दृश्यों के साथ व्यवसायिक रूप से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, जो कि दोस्तों आज हम लोग विश्वासम के बारे में बातें करेंगे। आज मैं आपको विश्वासम के हिडन फैक्ट्स, इसके रिव्यू, इसके निर्देशक कौन है, इसके प्री प्रोडक्शन क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, किस कंपनी के द्वारा उत्पादित किया गया, कौन कौन से कलाकार हैं, ये छायांकन के बारे में बताएंगे, उत्पादन कंपनी बताएंगे, किसके द्वारा इसको वितरित किया गया, कब रिलीज किया गया, सारी बातें आज मैं बताऊंगा। और किस भाषा में ये फिल्म बनी थी, कितना इसका बजट था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, सारे फैक्ट्स हम लोग बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको। और इसके इस फिल्म की पूरी रिव्यू, पूरी समीक्षा करके मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों विश्वासम मूवी जो है ये खास करके आपको ये बनाया गया है तमिल भाषा में, और ये 2019 में ये फिल्म आई थी, जो कि पूर्ण रूप में तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। और यह शिव द्वारा निर्देशित है। फिल्म में मुख्य जो भूमिका जिन्होंने निभाया है वो अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू और अनिका सुरेंद्रन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। सत्यज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की घोषणा भी हो गई थी आपको 2 साल पहले, मतलब कि रिलीज के डेट से 2 साल पहले ये फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई थी 20 नवंबर 2017 को ही। और मुख्य फोटोग्राफी जो है वो शुरू की गई थी मई 2018 में। दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक जो है वो शिव है, और इसका स्क्रिप्ट जो लिखा गया था वो शिव के द्वारा लिखा गया, आदि नारायण, के मनु मणिकंदन, सावरी मुथु, एंटनी बक्या राज और चंद्रन पचई मुथु के द्वारा इसका स्क्रिप्ट लिखा गया। और उत्पादन कंपनियां हैं इसके प्रस्तुतकर्ता जो है वो टीजी त्यागराजन है, सेंथिल त्यागराजन और अर्जुन त्यागराजन। और छायांकन जो इसका किया गया वो विट्री पलानीसामी के द्वारा किया गया था और संपादन रुबेन के द्वारा। और संगीत जो है इस फिल्म का दिया है उन्होंने, जिनका नाम है डी ईमान। और खास करके मुख्य उत्पादन कंपनी जो है इस फिल्म की वो है सत्यज्योति फिल्म्स, और केजेआर स्टूडियो, राजा मन्नार फिल्म्स और शक्ति फिल्म्स फैक्ट्री के द्वारा इसको पूरे हिंदुस्तान में वितरित किया गया, और फिल्म को 10 जनवरी 2019 में रिलीज कर दिया गया था।
दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी कर दें, जिससे मेरा भी उत्साह बने और आगे भी आपको सारे फैक्ट्स से रिव्यू सब कुछ मैं नए नए फिल्म का, पुरानी फिल्म का, सभी का मैं आपको बताता रहूं। तो इसका बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएँ भी मिली थी। डी इमाम ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार भी जीता था और खास करके इस फिल्म में जो है वो हम लोग अब आगे थोड़ी इसकी हल्की सी डिटेल्स में बता देता हूँ, उसके बाद उस डिटेल्स के बाद मैं इसकी पूरी रिव्यू करके समीक्षा करके भी बताऊँगा। इसमें खास करके थुक्कू दुरई थेनी, जो इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा, ने मैं अपने गाँव कोड्डू विलारपट्टी के प्रतिष्ठित मुखिया और व्यवसायी हैं। 10 साल बाद गाँव के अय्यनार मंदिर में एक उत्सव होने वाला है। थुक्कू दुरई का परिवार और उनके दोस्त, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। बहुत विचार विमर्श के बाद थुक्कू दुरई ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। यात्रा के दौरान थुक्कू दुरई के चाचा मेरिट और रोस्मानी थुक्कू दुरई के वर्तमान जीवन से परेशान हैं और 10-12 साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं। थुक्कू दुरई एक खुश मिजाज आदमी और एक चावल मिल का मालिक हुआ करता था, जो समस्याओं से निपटने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करता था। मतलब कि एक तरह से वो लोकल गुंडा था। कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुक्कू दुरई की मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है, जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराती है। जब थुक्कू दुरई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन बाद में अबू दैयप्पन द्वारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुंडों से लड़ने के बाद थुक्कू दुरई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दिया। मतलब कि थुक्कू दुरई का जो रोल इसमें निभाया है वो अजीत कुमार ने निभाया है और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अपना ये रोल किया है। किस तरह से मिल मालिक के लोकल गुंडे और किस तरह से फिर वो निरंजना के प्यार में पड़ता है, सारी कुछ बातें इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया है। निरंजना को थुक्कू दुरई के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है, जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है। वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन निरंजना थुक्कू दुरई के झगड़ों में शामिल होने से बार बार वो परेशान हो जाती है। जल्द ही वह गर्भवती भी हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे वह थुक्कू दुरई के लिए मना कर देती है। अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थुक्कू दुरई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है। उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अबू दैयप्पन, जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, थुक्कू दुरई के साथ झगड़ा करता है। निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थुक्कू दुरई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है। आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निरंजना थुक्कू दुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है। फिर फ्लैशबैक की कुछ कहानी भी इसमें चलती है और उसमें वो दिखाया जाता है फ्लैशबैक के बाद कि थुक्कू दुरई ने निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है, मतलब कि एथलेटिक्स के लिए उसकी बेटी वो दौड़ रही है। जब श्वेता को कुछ गुंडों के द्वारा, जो कि इसके थुकुदुरई का विरोधी है, उसके द्वारा जब मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है। थुकुदुरई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उसकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी। गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है और हर चीज में प्रथम स्थान की वो उम्मीद करता है, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल वो करता था। तो ये स्वाभाविक बात है कि शुरू से जो व्यक्ति प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वो बाद में भी चाहेगा कि हम कंटिन्यू प्रथम स्थान ही प्राप्त करें, जबकि वो किसी भी चीज़ में पिछड़ने के बावजूद भी वो चाहता है कि हम आगे रहें। तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद का भी सहारा लेता है, मतलब कि अगर उसे पैसे से खरीदना पड़े आगे बढ़ने के लिए वो भी करता है, अगर उसे गुंडा लगाकर बदमाशी करना पड़ता है, उसको डराना धमकाना पड़ता है तो वो भी करता है जिससे कि वो आगे बढ़ जाए। वही ठीक यहाँ पर थुकुदुरई के जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं। दोस्तों वह अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिली सेकंड धीमी है, मात्र कम सेकंड में ही स्लो हो जाती है। गौतम द्वारा नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया जिससे उसे दौड़ जीतने में मदद मिली। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वह इस आत्महत्या के प्रयास की प्रक्रिया में वो अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकुदुरई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करे, इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। यह कई मौकों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकुदुरई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकुदुरई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत बिल्कुल ही गंभीर हो गई। अब श्वेता को अपने डॉक्टर रूप में फिर आना पड़ता है, फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकुदुरई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थुकुदुरई से लड़ता है, जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकुदुरई श्वेता के पिता है। श्वेता बैठक के दौरान पिछड़ गई क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। थुकुदुरई गौतम से लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत गई। उसी समय गौतम थुकुदुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकुदुरई गौतम से कहता है कि बच्चों को इसकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि अगर माता पिता के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन अपना अलग होता है, माता पिता के अनुसार अब बच्चों को अगर चलना पड़े तो कहीं ना कहीं वो अपने गोल में बच्चे पिछड़ जाएंगे। ठीक यही जो नसीहत है थुकुदुरई गौतम को देता है। श्वेता को वहाँ पर विजेता घोषित किया गया, साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ
थुकुदुरई का नाम जुड़ा और वे थुकुदुरई के साथ फिर से जुड़ गए। इसमें मुख्य रूप से थुकुदुरई जो है वो अजीत कुमार इसमें है और निरंजना का रोल इसमें नयनतारा निभा रही है। श्वेता थुकुदुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्र ने काम किया है, जबकि गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू है थुकुदुरई के जो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है। केशवन के रूप में विवेक ने काम किया है और थम्बी रमैया रोशमानी के रूप में है। रोगो शंकर मेरिट के रूप में है और फिरोमीना के रूप में कोवई सरदा ने काम किया है। योगी बाबू वेलू के रूप में है। नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे है और कलई रानी पेची अम्मल के रूप में थुकुदुरई की चाची। थुकुदुरई की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार है और थुकुदुरई की एक और चाची के रूप में रजिता ने काम किया है। थुकुदुरई के चचा के रूप में आर.एन.आर. मनोहर ने काम किया है। थुकुदुरई की दादी के रूप में चेनियम्मा ने काम किया है। जंगली मधुमिता थुकुदुरई की चचेरी बहन के रूप में काम किया है और थुकुदुरई के दोस्त के रूप में रमेश थिलक हैं, नमो नारायण हैं, भरत रेड्डी हैं और भरत रेड्डी जो है वो श्वेता के कोच के रूप में भी उन्होंने काम किया है। गौतम की पत्नी के रूप में सुरेखा वाणी ने काम किया है और गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकाश ने काम किया है। आबू दैयप्पन के रूप में माइम गोपी हैं। कोजू मुथु के रूप में ओक सुंदर जो कि थुकुदुरई के भी प्रतिद्वंदी के रूप में उन्होंने काम किया है। नारायण लकी निरंजना के सहयोगी प्रबंधक के रूप में है और निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापड़ी घोष है। निरंजना की सहकर्मी के रूप में एक और है साक्षी अग्रवाल और उसके सहयोगी के रूप में है टीएम कार्तिक और निरंजना की एक और सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा ने काम किया है। जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में उन्होंने काम किया है और पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुरईराज ने काम किया। एक और पुलिस कांस्टेबल के रूप में है नमस्ते कंडास्वामी। मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया। खादर के रूप में छत्रपति शेखर जो कि थुकुदुरई के दोस्त के रूप में है। कोजी मुथु की सहायता के रूप में संपत राम है। एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजा। एक पहलवान के रूप में रवि अवाना। एक कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी और थुकुदुरई के मित्र के रूप में सार्थ साई सिद्धार्थ ने काम किया है। दोस्तों अजीत कुमार ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल एक गांव के गवई किस तरह से वहां पर गांव के लोग रहते हैं वो अपनी किस तरह से वो जीवन बिताते हैं इसका बहुत ही बेहतरीन उन्होंने रोल किया है और एक पिता के रूप में भी उन्होंने जबरदस्त रोल किया है। दोस्तों इस फिल्म के जो खास समीक्षा जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई थी। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ था और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए यह जारी किया गया था। खासकर यह विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को पिट्टा के साथ जो कि रजनीकांत की फिल्म है वो उसी के साथ रिलीज किया गया पोंगल के अवसर पर और यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज हुई थी। सेटेलाइट राइट्स सन नेटवर्क को भी बेचा गया था। जो लोग भी फुल मूवी देखना चाहते हैं वो इस पर देख सकते हैं। और ख़ास बात की इस फिल्म की जो मैंने पहले ही बताया था कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो इसके फिल्म में तमिलनाडु में कुल 15 करोड़ रुपये इस फिल्म ने कमाए थे। केरल में 2 करोड़ रुपया, कर्नाटक में 1.5 करोड़ रुपया से अधिक उसने कमाई की थी और शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की, 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ रुपए के साथ इसने कमाई की थी। फिल्म ने भारत में 2 दिनों में 33.50 करोड़ की कमाई की थी जो कि बहुत ही अच्छी कमाई है। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इसके सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी मैं आपको बताऊँगा कि कितना कलेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ, नहीं हुआ। दोस्तों इस फिल्म की वास्तविक कहानी सामने आते ही
कथानक पूर्वानुमय हो जाता है, लेकिन अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजक फिल्म तो जरूर बनाती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी का जो एक गांव का गुंडा है और अपने पैतृक गांव में विवादों को सुलझाता है, उसे तब बड़ा झटका लगता है जब वह कई वर्षों के बाद अपनी शादी में आई खटास को सुलझाने की कोशिश करता है वहाँ भी, और इसी पर पूरी फिल्म को फिल्माया गया, केंद्र बिंदु इसी को रखा गया। दोस्तों, इसकी समीक्षा के क्रम में हम यह पाते हैं कि अजीत और शिवा ने विश्वासम में चौथी बार दोनों ने सहयोग किया है। इस बार यह जोड़ी अपनी जड़ों की ओर वापस चली गई है। प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों के लिए शामिल सामग्री के संदर्भ में फिल्म में उनकी पहली रिलीज वीरम के साथ अधिक समानता है। बाद की तरह यह भी एक ऐसे गांव पर आधारित है जिसके नायक को उसकी वीरता और ईमानदारी के कारण गांव वाले प्यार करते हैं। थुकू दुराई, जो कि अजीत ने काम किया है, अपने परिवार का प्रिय है और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीता है। उसका जीवन तब बदल जाता है जब डॉक्टर निरंजना, जो कि नयनतारा ने इस रोल को किया है, एक चिकित्सा शिविर के लिए उसके गांव आती है। हालांकि उन दोनों के चरित्र बिल्कुल ही विपरीत है, फिर भी उन्होंने शादी कर दी क्योंकि निरंजना को दृढ़ विश्वास था कि वे एक अच्छी जोड़ी बनाएंगे। क्योंकि निरंजना एक तरफ जो डॉक्टर है और थुकू दुराई जो एक लोकल गुंडा है, बिल्कुल नदी का ये दो किनारा है कि दोनों कभी मिल नहीं सकता है। फिर भी निरंजना ने, मतलब कि नयनतारा ने, दोनों को एक जगह करके उसे इस विश्वास था कि ये सुधर जाएगा और हमारी जोड़ी अच्छी चलेगी। हालांकि दुराई की निर्णय लेने में जल्दबाजी और पिता बनने के बाद भी विवादों को निपटाने से दूर रहने की अनिच्छा उनके रिश्तों को नुकसान पहुँचाती है। निराश निरंजना अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ मुंबई चली जाती है। दुराई, जिसे उसके परिवार के सदस्य लगातार अपनी पत्नी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए कहते थे, उससे और अपनी बेटी से मिलने के लिए मुंबई जाता है, जिनसे वह लगभग एक दशक से नहीं मिला है। मुंबई पहुंचने पर उसे पता चला कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। गौतम वीर, जो कि जगपति बाबू ने इस रोल को किया है, एक कुटिल बिजनेस टाइकून है, उसकी जान लेना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि उसकी बेटी की खराब स्वास्थ्य का कारण ये थुकू दुराई की बेटी ही है। दुराई अपनी बेटी को गौतम से कैसे बचाता है, यह कहानी का ही बाकी हिस्सा है। पटकथा को स्टार के प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों दोनों को खुश करने के लिए इस तरह से विकसित किया गया है। ऐसे दृश्य हैं जहां अजीत के प्रशंसक आनंदित होते हैं, जबकि पर्याप्त भावनात्मक तत्व है जो कहानी के साथ मेल खाते हैं, और अंत में एक इस फिल्म के माध्यम से संदेश भी दिया जाता है। बैक टू बैक फिल्मों में जीवन से बड़े नायक की भूमिका निभाने के बाद अजीत के लिए यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि कहानी में ऐसे दृश्य हैं जहां अन्य पात्र उन पर हावी हैं। येनल अरिंधल के बाद एक दयालु पिता के रूप में उनकी भूमिका उन लोगों द्वारा पसंद की गई जो पारिवारिक नाटक भी पसंद करते हैं। नयनतारा और बेबी अनिका अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत फिल्म की अनेडिट है। इसमें जो नयनतारा की बेटी का जिन्होंने अनिका ने रोल किया है, उन्होंने भी जबरदस्त रोल किया है, बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने किया है। हालांकि विवेक थम्बी रमैया और रोबो शंकर जैसे अन्य कलाकारों के साथ भी एक अच्छी प्रस्तुति है जो उनसे अपेक्षित भी है। फिल्म में कुछ भी नया तो नहीं है, लेकिन उसी को जो फिल्म बनी है उसी ढर्रा को थोड़ा अच्छे ढंग से और भी फिल्माया जा सकता था। फिल्म में अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने पर कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है, लेकिन अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजक फिल्म तो निश्चित रूप से इसे बनाती है। खाला अजीत को बड़े पर्दे पर देखना हमेशा से ही सुखद होता है और उनकी फिल्म रिलीज हर बार एक
उत्सव की तरह ही होती है। और इस बार जो उत्सव विश्वासम के लिए जो दर्शकों ने 2019 में बनाया, जो तीन परियोजनाओं वीरम, वेदालम और विवेगम में काम करने के बाद निर्देशक शिवा के साथ अजीत की ये चौथी बड़ी साझेदारी का प्रतीक है। मतलब कि जो निर्देशक शिवा है वो कंटिन्यू अजीत कुमार को लेकर ही फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म निश्चित रूप से ब्लॉकबस्टर हो जाती है, क्योंकि वीरम भी बहुत बेहतरीन फिल्म उन्होंने बनाई, वेदालम उससे भी बेहतरीन फिल्म बनाई और विवेगम भी सुपर डुपर हिट फिल्म बनी और ये उनकी चौथी प्रोडक्शन है विश्वासम। यहाँ अजीत की विश्वासम पर हमारी समीक्षा है जिसमें नयन तारा, जगपति बाबू, थम्बी रमैया, योगी बाबू, रोबो शंकर और अन्य भी सह कलाकार हैं। विश्वासम का ये ट्रेलर का अंतिम शॉट फिल्म की एक पंक्ति का सुझाव भी दिया था। और हाँ, एक तो बात निश्चित है कि विश्वासम एक पारिवारिक व्यक्ति थुकू दुरई के बारे में है जो अपनी बेटी और पत्नी को हर कीमत पर नकारात्मक ताकतों से बचाने का इरादा रखता है और वादा करता है। क्या उसने प्रतिपक्षी पर जीत हासिल की, यह आगे की बाकी कहानी बताती है। अजीत का परिचय दृश्य पूरी तरह से मार्ग निर्धारित करता है और बेसमेंट का निर्माण बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें किया गया है। फिल्म का पहला भाग उत्सव के मूड से भरा है क्योंकि उसमें गांव है, गांव के लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, गांव के पगडंडी है, नदी नाले दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन उसमें लगता है जो समग्र माहौल को मंत्रमुग्ध कर देता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में कुछ कम अंकों के साथ गिरावट आई है। फिल्म के जो शुरुआत में जो ट्रेलर दिखाया गया था, जो हाई मोमेंट्स उसमें दिखा गया था, वही फिल्म में भी हाई पॉइंट्स बन जाते हैं। पारिवारिक भावनाएं अच्छी तरह से इस फिल्म में काम करती है और इसे ज़्यादा नहीं किया जाता है। थुकू दुरई के रूप में अजीत पूरी तरह से चमकते हैं और उनकी अलप्पा राई पूरी तरह से आनंददायक है। कहानी दो अलग अलग जगहों कोडू विरार पट्टी और मुंबई में घटित होती है और अजीत अपने अभिनय में काफ़ी भिन्नता दिखाते हैं। मतलब कि कोडू विरार पट्टी जो कि पूर्ण रूप से ये गवई का माहौल है, गांव का माहौल है, और मुंबई में एक घटना दिखाया जाता है पूर्ण रूप से मेट्रो सिटी है। दोनों को अलग अलग दिखाकर उसको एक साथ जोड़ा जाता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से शिवा ने एक काम किया है। उनकी मधुरा बोली स्वाभिव्यक्ता और प्रामाणिकता को बढ़ाती है। हल्के फुल्के दृश्यों में अजीत अपने कैजुअल बेस्ट लुक में नजर आते हैं। जब भी पटकथा में गिरावट आती है अजीत एक तारणहार के रूप में सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनके आते ही एक अलग तरह का माहौल दर्शकों में हो जाता है। यह एक बात तो भूलना भी नहीं चाहिए कि अजीत थुकू के आखिरी हिस्से में थाला अजीत का सिंगल टेक डांस भी बहुत बेहतरीन काम करता है। दर्शक निश्चित रूप से उस हिस्से का खूब आनंद लिए थे। नयन तारा स्क्रीन पर चमकदार दिखती हैं और उन्हें एक सशक्त भूमिका भी इस फिल्म में निभानी थी, जो हर जगह यात्रा भी करती रहती है। बेबी अनिखा खूबसूरती से भाव व्यक्त करती है, बहुत ही मासूमियत से वो किसी भी बात को बोलती है, कहती है, जिससे कि फिल्म में जाना जाता है। और अजीत के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत ही काम आती है। अजीत और अनोखा के बीच का खेल देखना दिलचस्प है, क्योंकि अजीत को ये शो करना था कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, और अनोखी अनिखा जो है उसको ये भी मालूम नहीं है कि ये जिसको मैं अंकल बोल रहा हूँ, ड्राइवर के रूप में जो कभी 10 दिनों के लिए उन्होंने काम किया था, ये हमारे पिता है। हास्य कलाकारों का पूरा समूह अपने सीमित समय के साथ अच्छा काम करता है। और इसका नकारात्मक पहलू ये है कि विश्वासम की कहानी न केवल बहुत पतली है बल्कि उपचार भी एक टेम्पलेट में है, और परिणाम स्वरूप आप आगामी दृश्यों की भविष्यवाणी करते हैं। कॉमेडी का एक निश्चित वर्ग अपेक्षित हंसी नहीं लाता है। अन्य व्यावसायिक सामूहिक मनोरंजनकर्ताओं की तरह विश्वासम में भी कमजोर लिखित खलनायक होने की समस्या है। यदि प्रतिपक्षी के पास मजबूत चरित्र चित्रण होता तो अजीत और जगपति बाबू के बीच आमना सामना
खूब ही रोमांचक हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस जगह पर फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। प्रतिपक्षी के क्रोध के पीछे का तर्क पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्षी ये कहता है कि थुकुदुरे की बेटी के कारण ही मेरी बेटी का ये हाल हो गया है, मतलब कि वो लकवाग्रस्त हो गई है, जो कि ये फिल्म को खूब ट्रैक पे जो एक होता है कि दर्शकों में एक उत्साह पैदा करता है कि ऐसा क्या हुआ था, जो कि बिल्कुल ही सिंपल और साधारण तरीके में इसे बता दिया जाता है, जो कि वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। और इसके आगे डी ईमान का संपादित बैकग्राउंड स्कोर दृश्य की तीव्रता को एक अलग स्तर तक बढ़ा देता है और क्रू में उनका नाम एक मूल्यवान अतिरिक्त है। गाने के प्लेसमेंट ने भी सौभाग्य से फिल्म के पक्ष में काम किया है। वेट्री के दृश्य फिल्म के लिए समान रूप से सहायक है और अजीज के स्टारों को जमकर वहाँ पर बढ़ाते हैं। कन्नाना कन्नी गाने का फिल्मांकन एक पिता और बेटी के बीच की खूबसूरत भावनाओं को सामने लाता है। कुछ उल्लेखनीय शॉट्स अजीत और उनके प्रशंसकों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। निर्देशक के शिवा ने अपने इरादों को लेकर बहुत ही स्पष्ट है, जो पारिवारिक भावनाओं और अन्य तत्वों से भरा एक मनोरंजक ग्रामीण एक्शन ड्रामा प्रस्तुत करते हैं। वह प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों की नब्ज को समझते हैं और एक मनोरंजक उत्पाद पेश करते हैं। यह गलत नहीं होगा कि अगर हम अजीत और शिवा के संयोजन की चार फिल्मों में से विश्वासम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में लेबल करें। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला अजीत के प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए सही व्यवसायिक तत्वों के साथ इसे पैक किया गया है। अजीत की विश्वासम भावनाओं और सामूहिक दृश्यों के साथ व्यवसायिक रूप से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, जो कि दोस्तों आज हम लोग विश्वासम के बारे में बातें करेंगे। आज मैं आपको विश्वासम के हिडन फैक्ट्स, इसके रिव्यू, इसके निर्देशक कौन है, इसके प्री प्रोडक्शन क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, किस कंपनी के द्वारा उत्पादित किया गया, कौन कौन से कलाकार हैं, ये छायांकन के बारे में बताएंगे, उत्पादन कंपनी बताएंगे, किसके द्वारा इसको वितरित किया गया, कब रिलीज किया गया, सारी बातें आज मैं बताऊंगा। और किस भाषा में ये फिल्म बनी थी, कितना इसका बजट था, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या था, सारे फैक्ट्स हम लोग मैं बताऊंगा आपको। और इसके इस फिल्म की पूरी रिव्यू, पूरी समीक्षा करके मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों विश्वासम मूवी जो है ये खास करके आपको ये बनाया गया है तमिल भाषा में, और ये 2019 में ये फिल्म आई थी, जो कि पूर्ण रूपेण तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। और यह शिव द्वारा निर्देशित है। फिल्म में मुख्य जो भूमिका जिन्होंने निभाया है वो अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू और अनिका सुरेंद्रन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है। सत्यज्योति फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म की घोषणा भी हो गई थी आपको 2 साल पहले, मतलब कि रिलीज के डेट से 2 साल पहले ये फिल्म को रिलीज किया गया था 2019 में, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई थी 20 नवंबर 2017 को ही। और मुख्य फोटोग्राफी जो है वो शुरू की गई थी मई 2018 में। दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक जो है वो शिव है, और इसका स्क्रिप्ट जो लिखा गया था वो शिव के द्वारा लिखा गया, आदि नारायण, के मनु मणिकंदन, सावरी मुथु, एंटनी बक्या राज और चंद्रन पचय मुथु के द्वारा इसका स्क्रिप्ट लिखा गया। और उत्पादन कंपनियां हैं, इसके प्रस्तुतकर्ता जो है वो टीजी त्यागराजन है, सेंथिल त्यागराजन और अर्जुन त्यागराजन। और छायांकन जो इसका किया गया वो विट्री पलानीसामी के द्वारा किया गया था, और संपादन रुबेन के द्वारा। और संगीत जो है इस फिल्म का दिया है उन्होंने, जिनका नाम है डी ईमान। और खास करके मुख्य उत्पादन कंपनी जो है इस फिल्म की वो है सत्यज्योति फिल्म्स, और केजेआर स्टूडियो, राजा मन्नार फिल्म्स और शक्ति फिल्म्स फैक्ट्री के द्वारा इसको पूरे हिंदुस्तान में वितरित किया गया, और फिल्म को 10 जनवरी 2019 में रिलीज कर दिया गया था।
दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक भी कर दें, जिससे मेरा भी उत्साह बने और आगे भी आपको सारे फैक्ट्स रिव्यू सब कुछ मैं नए नए फिल्म का, पुरानी फिल्म का, सभी का मैं आपको बताता रहूं। तो इसका बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों यह फिल्म 10 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया था। फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएँ भी मिली थी। डी इमाम ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार भी जीता था और खास करके इस फिल्म में जो है वो हम लोग अब आगे थोड़ी इसकी हल्की सी डिटेल्स में बता देता हूँ, इसके बाद उस डिटेल्स के बाद मैं इसकी पूरी रिव्यू करके समीक्षा करके भी बताऊँगा। इसमें खास करके थुक्कु दुरई थेनी, जो इसकी थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ उसके बाद मैं रिव्यू करूँगा, ने मैं अपने गाँव कुड्डू विलारपट्टी के प्रतिष्ठित मुखिया और व्यवसायी हैं। 10 साल बाद गाँव के अय्यनार मंदिर में एक उत्सव होने वाला है। थुक्कु दुरई का परिवार और उनके दोस्त, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। बहुत विचार विमर्श के बाद थुक्कु दुरई ने उनसे मिलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। यात्रा के दौरान थुक्कु दुरई के चाचा मेरिट और रोस्मानी थुक्कु दुरई के वर्तमान जीवन से परेशान हैं और 10-12 साल पहले के अपने जीवन को याद करते हैं। थुक्कु दुरई एक खुश मिजाज आदमी और एक चावल मिल का मालिक हुआ करता था, जो समस्याओं से निपटने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल करता था। मतलब कि एक तरह से वो लोकल गुंडा था। कुछ गुंडों का पीछा करते समय थुक्कु दुरई की मुलाकात निरंजना नाम की एक डॉक्टर से होती है, जो उसकी हरकतों को देखती है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराती है। जब थुक्कु दुरई निरंजना को देखता है तो वह तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और वह पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन बाद में अबू दैयप्पन द्वारा उसे भुगतान न करने पर उसका चिकित्सा शिविर बंद करने की धमकी देने के बाद उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुंडों से लड़ने के बाद थुक्कु दुरई ने अपना खेत अपनी चावल मिल में स्थानांतरित कर दिया। मतलब कि थुक्कु दुरई का जो रोल इसमें निभाया है वो अजीत कुमार ने निभाया है और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अपना रोल किया है। किस तरह से मिल मालिक के लोकल गुंडे और किस तरह से फिर वो निरंजना के प्यार में पड़ता है, सारी कुछ बातें इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फिल्माया गया है। निरंजना को थुक्कु दुरई के प्रति अपने प्यार का एहसास होता है और वह उसे प्रस्ताव देती है, जिसे वह कुछ विचार के बाद स्वीकार कर लेता है। वे शादी कर लेते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन निरंजना थुक्कु दुरई के झगड़ों में शामिल होने से बार बार वो परेशान हो जाती है। जल्द ही वह गर्भवती भी हो जाती है और उसे विदेश में सबसे असाधारण फार्मास्यूटिकल कार्यक्रमों में से एक में जाने के लिए स्वीकार किया जाता है, जिसे वह थुक्कु दुरई के लिए मना कर देती है। अपनी बेटी श्वेता के जन्म के बाद थुक्कु दुरई से श्वेता को किसी भी झगड़े में न लाने का वादा लेने के बाद निरंजना शहर से बाहर चली जाती है। उसे स्टेशन से लेने के रास्ते में अबू दैयप्पन, जो बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है, थुक्कु दुरई के साथ झगड़ा करता है। निरंजना को रेलवे स्टेशन पर न पाकर थुक्कु दुरई उसे घर पर पाता है और लड़ाई के दौरान घायल होने के कारण बच्चा मर जाता है। आपातकालीन वार्ड में भागने के बाद वह बच जाती है, लेकिन निरंजना थुक्कु दुरई पर क्रोधित हो जाती है और उसे उससे और बच्चे से दूर रहने के लिए कहती है। वह गांव छोड़कर शहर आ जाती है। फिर फ्लैशबैक की कुछ कहानी भी इसमें चलती है और उसमें वो दिखाया जाता है फ्लैशबैक के बाद कि थुक्कु दुरई ने निरंजना से उसकी कंपनी निरंजना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
बाद में वह अपनी बेटी श्वेता को देखता है जो जूनियर नेशनल 100 मीटर खिताब के लिए दावेदार है, मतलब कि एथलेटिक्स के लिए उसकी बेटी वो दौड़ रही है। जब श्वेता को कुछ गुंडों के द्वारा, जो कि इसके थुकु दुरई का विरोधी है, उसके द्वारा जब मारने की कोशिश की जाती है तो वह घर चली जाती है। थुकु दुरई उसे बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंच जाता है। तब यह पता चला कि प्रसिद्ध उद्यमी गौतम वीर ही इसके पीछे है, क्योंकि उसकी बेटी नेहा आत्महत्या का प्रयास करते समय लकवाग्रस्त हो गई थी। गौतम स्काईलाइन एक्सपोर्ट्स के मालिक है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक है और हर चीज में प्रथम स्थान की वो उम्मीद करता है, क्योंकि वह अपने शुरुआती दिनों में शिक्षा और खेल सहित वही हासिल वो करता था। तो ये स्वाभाविक बात है कि शुरू से जो व्यक्ति प्रथम स्थान प्राप्त करेगा वो बाद में भी चाहेगा कि हम कंटिन्यू प्रथम स्थान ही प्राप्त करें, जबकि वो किसी भी चीज़ में पिछड़ने के बावजूद भी वो चाहता है कि हम आगे रहें, तो उसके लिए वो साम दाम दंड भेद का भी सहारा लेता है, मतलब कि अगर उसे पैसे से खरीदना पड़े आगे बढ़ने के लिए वो भी करता है, अगर उसे गुंडा लगाकर बदमाशी करना पड़ता है, उसको डराना धमकाना पड़ता है तो वो भी करता है जिससे कि वो आगे बढ़ जाए। वही ठीक यहाँ पर थुकु दुरे की जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं। दोस्तों वह अपनी बेटी नेहा से भी यही उम्मीद करते हैं जो श्वेता से मिली सेकंड धीमी है, मात्र कम सेकंड में ही स्लो हो जाती है। गौतम द्वारा नेहा को धमकी देने के बाद कि अगर वह हार गई तो उसे उसमें कोई स्नेह नहीं मिलेगा, उसने डोपिंग का सहारा लिया जिससे उसे दौड़ जीतने में मदद मिली। दुर्भाग्य से इसका पता श्वेता को चला जिसने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, इस डर से कि उसके पिता की प्रतिष्ठा और स्नेह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नेहा ने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन वह इस आत्महत्या के प्रयास की प्रक्रिया में वो अपाहिज हो गई। गौतम अपनी बेटी की हालत देखकर व्याकुल हो जाता है और किसी भी कीमत पर श्वेता को मारने की कसम खाता है। उसे बचाने के बाद थुकु दुरई ने निरंजना से अनुरोध किया कि वह अगले 10 दिनों के लिए उसकी प्रतियोगिता तक उसे श्वेता का ड्राइवर नियुक्त करे, इस शर्त पर कि वह उसके पिता होने के बारे में खुलासा नहीं करेगा, जिससे वह अनिच्छा से सहमत हो जाती है। यह कई मौकों पर अपनी बेटी को गुंडों से बचाते हुए उसके साथ रहना पसंद करता है। थुकु दुरई बाद में गौतम से मिलता है और उसे चुनौती देता है। दुर्भाग्य से श्वेता की प्रतियोगिता से पहले थुकु दुरई को एक कार ने कुचल दिया और उसकी हालत बिल्कुल ही गंभीर हो गई। अब श्वेता को अपने डॉक्टर रूप में फिर आना पड़ता है, फिर श्वेता को अमेरिका जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और थुकु दुरई ठीक हो जाता है। श्वेता गौतम की बेटी और पत्नी को भी लाती है। प्रतियोगिता से पहले गौतम पहले से ही घायल थुकु दुरई से लड़ता है, जिस बिंदु पर निरंजना को पता चलता है कि थुकु दुरई श्वेता के पिता है। श्वेता बैठक के दौरान पिछड़ गई क्योंकि उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। थुकु दुरई गौतम से लड़ता है, ट्रैक पर पहुंचता है और सीटी बजाकर अपनी बेटी को प्रोत्साहित करता है। श्वेता रेस जीत गई। उसी समय गौतम थुकु दुरई पर हमला करने के लिए सड़क पर आता है, लेकिन अपनी बेटी की हालत ठीक होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। थुकु दुरई गौतम से कहता है कि बच्चों को इसकी इच्छा के अनुसार बड़ा होना चाहिए और उन पर यह बोझ नहीं डालना चाहिए कि उनके माता पिता क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि अगर माता पिता के अनुसार हर व्यक्ति का जीवन अपना अलग होता है, माता पिता के अनुसार अब बच्चों को अगर चलना पड़े तो कहीं ना कहीं वो अपने गोल में बच्चे पिछड़ जाएंगे। ठीक यही जो नसीहत है थुकु दुरई गौतम को देता है। श्वेता को वहाँ पर विजेता घोषित किया गया, साथ ही निरंजना ने उसके नाम के साथ
थुकुदुरई का नाम जुड़ा और वे थुकुदुरई के साथ फिर से जुड़ गए। इसमें मुख्य रूप से थुकुदुरई जो है वो अजीत कुमार इसमें है और निरंजना का रोल इसमें नयनतारा निभा रही है। श्वेता थुकुदुरई और निरंजना की बेटी के रूप में अनिखा सुरेंद्रन ने काम किया है, जबकि गौतम वीर के रूप में जगपति बाबू हैं थुकुदुरई के जो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में है। केशवन के रूप में विवेक ने काम किया है और थम्बी रमैया रोशमानी के रूप में है। रोबो शंकर मेरिट के रूप में है और फिरो मीना के रूप में कोवई सरदा ने काम किया है। योगी बाबू वेलू के रूप में है। नेहा के रूप में सलोनी उमेश बर्डे है और कलई रानी पेची अम्मल के रूप में थुकुदुरई की चाची। थुकुदुरई की चाची के रूप में सुजाता शिव कुमार है और थुकुदुरई की एक और चाची के रूप में रजिता ने काम किया है। थुकुदुरई के चचा के रूप में आर.एन.आर. मनोहर ने काम किया है। थुकुदुरई की दादी के रूप में चेनियम्मा ने काम किया है। जंगली मधुमिता थुकुदुरई की चचेरी बहन के रूप में काम किया है और थुकुदुरई के दोस्त के रूप में रमेश थिलक हैं, नमो नारायण हैं, भरत रेड्डी हैं और भरत रेड्डी जो है वो श्वेता के कोच के रूप में भी उन्होंने काम किया है। गौतम की पत्नी के रूप में सुरेखा वाणी ने काम किया है और गौतम के निजी सहायक के रूप में रवि प्रकाश ने काम किया है। आबू दैयप्पन के रूप में माइम गोपी हैं। कोजू मुथु के रूप में ओक सुंदर जो कि थुकुदुरई के भी प्रतिद्वंदी के रूप में उन्होंने काम किया है। नारायण लकी निरंजना के सहयोगी प्रबंधक के रूप में है और निरंजना की सहकर्मी प्रिया के रूप में पापड़ी घोष है। निरंजना की सहकर्मी के रूप में एक और है साक्षी अग्रवाल और उसके सहयोगी के रूप में है टीएम कार्तिक और निरंजना की एक और सहकर्मी के रूप में शर्मिला थापा ने काम किया है। जॉर्ज मैरिन एक पुलिस निरीक्षक के रूप में उन्होंने काम किया है और पुलिस कांस्टेबल के रूप में रामचंद्रन दुरईराज ने काम किया। एक और पुलिस कांस्टेबल के रूप में है नमस्ते कंडा स्वामी। मैथ्यू वर्गीस एक जिला कलेक्टर के रूप में उन्होंने काम किया। खादर के रूप में छत्रपति शेखर जो कि थुकुदुरई के दोस्त के रूप में है। कोजी मुथु की सहायता के रूप में संपत राम है। एक ग्रामीण के रूप में मिसाई रमेश डिसूजा। एक पहलवान के रूप में रवि अवाना। एक कॉरपोरेट अधिकारी के रूप में टेम्पर वामसी और थुकुदुरई के मित्र के रूप में सार्थ साई सिद्धार्थ ने काम किया है। दोस्तों अजीत कुमार ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल एक गांव के गवई किस तरह से वहां पर गांव के लोग रहते हैं वो अपनी किस तरह से वो जीवन बिताते हैं इसका बहुत ही बेहतरीन उन्होंने रोल किया है और एक पिता के रूप में भी उन्होंने जबरदस्त रोल किया है। दोस्तों इस फिल्म के जो खास समीक्षा जो मैं कर रहा हूँ इसमें मुख्य फोटोग्राफी 23 मार्च 2018 को शुरू होनी थी लेकिन तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल की हड़ताल के कारण इसमें काफ़ी देरी हुई थी। यह अंततः 7 मई को हैदराबाद में शुरू हुआ था और नवंबर 2018 में समाप्त हुआ और पोंगल 2019 के लिए यह जारी किया गया था। खासकर यह विश्वासम को 10 जनवरी 2019 को पट्टा के साथ जो कि रजनीकांत की फिल्म है वो उसी के साथ रिलीज किया गया पोंगल के अवसर पर और यह फिल्म 25 फरवरी 2019 को डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी रिलीज हुई थी। सेटेलाइट राइट्स सन नेटवर्क को भी बेचा गया था। जो लोग भी फुल मूवी देखना चाहते हैं वो इस पर देख सकते हैं। और ख़ास बात की इस फिल्म की जो मैंने पहले ही बताया था कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा तो इसके फिल्म में तमिलनाडु में कुल 15 करोड़ रुपये इस फिल्म ने कमाए थे। केरल में 2 करोड़ रुपया, कर्नाटक में 1.5 करोड़ रुपया से अधिक उसने कमाई की थी और शेष भारत में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की, 7 करोड़ से अधिक और पहले दिन में कुल 25.4 करोड़ रुपए के साथ इसने कमाई की थी। फिल्म ने भारत में 2 दिनों में 33.50 करोड़ की कमाई की थी जो कि बहुत ही अच्छी कमाई है। फिल्म ने 3 सप्ताह में दुनिया भर में 180 करोड़ रुपये की कमाई की थी। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इसके सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी मैं आपको बताऊँगा कि कितना कलेक्शन हुआ, क्या क्या हुआ, नहीं हुआ। दोस्तों इस फिल्म की वास्तविक कहानी सामने आते ही
कथानक पूर्वानुमय हो जाता है, लेकिन अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजक फिल्म तो जरूर बनाती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी का, जो एक गांव का गुंडा है और अपने पैतृक गांव में विवादों को सुलझाता है, उसे तब बड़ा झटका लगता है जब वह कई वर्षों के बाद अपनी शादी में आई खटास को सुलझाने की कोशिश करता है वहाँ भी, और इसी पर पूरी फिल्म को फिल्माया गया, केंद्र बिंदु इसी को रखा गया। दोस्तों, इसकी समीक्षा के क्रम में हम यह पाते हैं कि अजीत और शिवा ने विश्वासम में चौथी बार दोनों ने सहयोग किया है। इस बार यह जोड़ी अपनी जड़ों की ओर वापस चली गई है। प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों के लिए शामिल सामग्री के संदर्भ में फिल्म में उनकी पहली रिलीज वीरम के साथ अधिक समानता है। बाद की तरह यह भी एक ऐसे गांव पर आधारित है जिसके नायक को उसकी वीरता और ईमानदारी के कारण गांव वाले प्यार करते हैं। थुकु दुरई, जो कि अजीत ने काम किया है, अपने परिवार का प्रिय है और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीता है। उसका जीवन तब बदल जाता है जब डॉक्टर निरंजना, जो कि नयनतारा ने इस रोल को किया है, एक चिकित्सा शिविर के लिए उसके गांव आती है। हालांकि उन दोनों के चरित्र बिल्कुल ही विपरीत है, फिर भी उन्होंने शादी कर ली क्योंकि निरंजना को दृढ़ विश्वास था कि वे एक अच्छी जोड़ी बनाएंगे। क्योंकि निरंजना एक तरफ जो डॉक्टर है और थुकु दुराई जो एक लोकल गुंडा है, बिल्कुल नदी का ये दो किनारा है कि दोनों कभी मिल नहीं सकता है। फिर भी निरंजना ने, मतलब कि नयनतारा ने, दोनों को एक जगह करके उसे एक विश्वास था कि ये सुधर जाएगा और हमारी जोड़ी अच्छी चलेगी। हालांकि दुरई की निर्णय लेने में जल्दबाजी और पिता बनने के बाद भी विवादों को निपटाने से दूर रहने की अनिच्छा उनके रिश्तों को नुकसान पहुंचाती है। निराश निरंजना अपनी बेटी के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ मुंबई चली जाती है। दुरई, जिसे उसके परिवार के सदस्य लगातार अपनी पत्नी के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए कहते थे, उससे और अपनी बेटी से मिलने के लिए मुंबई जाता है, जिनसे वह लगभग एक दशक से नहीं मिला है। मुंबई पहुंचने पर उसे पता चला कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। गौतम वीर, जो कि जगपति बाबू ने इस रोल को किया है, एक कुटिल बिजनेस टाइकून है, उसकी जान लेना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि उसकी बेटी की खराब स्वास्थ्य का कारण ये थुकु दुरई की बेटी ही है। दुरई अपनी बेटी को गौतम से कैसे बचाता है, यह कहानी का ही बाकी हिस्सा है। पटकथा को स्टार के प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों दोनों को खुश करने के लिए इस तरह से विकसित किया गया है। ऐसे दृश्य हैं जहां अजीत के प्रशंसक आनंदित होते हैं, जबकि पर्याप्त भावनात्मक तत्व है जो कहानी के साथ मेल खाते हैं, और अंत में एक इस फिल्म के माध्यम से संदेश भी दिया जाता है। बैक टू बैक फिल्मों में जीवन से बड़े नायक की भूमिका निभाने के बाद अजीत के लिए यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, क्योंकि कहानी में ऐसे दृश्य हैं जहां अन्य पात्र उन पर हावी हैं। येनल अरिंधल के बाद एक दयालु पिता के रूप में उनकी भूमिका उन लोगों द्वारा पसंद की गई जो पारिवारिक नाटक भी पसंद करते हैं। नयनतारा और बेबी अनीता अपने अच्छे प्रदर्शन की बदौलत फिल्म की अनेडिट है। इसमें जो नयनतारा की बेटी का, जिन्होंने अनीता ने रोल किया है, उन्होंने भी ज़बरदस्त रोल किया है, बहुत ही अच्छा रोल उन्होंने किया है। हालांकि विवेक थम्बी रमैया और रोबो शंकर जैसे अन्य कलाकारों के साथ भी एक अच्छी प्रस्तुति है, जो उनसे अपेक्षित भी है। फिल्म में कुछ भी नया तो नहीं है, लेकिन उसी को जो फिल्म बनी है उसी ढर्रा को थोड़ा अच्छे ढंग से और भी फिल्माया जा सकता था। फिल्म अपने वर्णन में नियमित टेम्पलेट का पालन करती है और दर्शकों के सभी वर्गों तक पहुंचने को ध्यान में रखते हुए एक बिंदु पर ट्रैक बदलती है। वास्तविक कहानी सामने आने पर कथानक भी पूर्वानुमानित हो जाता है, लेकिन अस्पष्ट खामियों की कमी इसे एक बार देखने योग्य मनोरंजक फिल्म तो निश्चित रूप से इसे बनाती है। थाला अजीत को बड़े पर्दे पर देखना हमेशा से ही सुखद होता है और उनकी फिल्म रिलीज हर बार एक
उत्सव की तरह ही होती है। और इस बार जो उत्सव विश्वासम के लिए जो दर्शकों ने 2019 में बनाया, जो तीन परियोजनाओं वीरम, वेदालम और विवेगम में काम करने के बाद निर्देशक शिवा के साथ अजीत की ये चौथी बड़ी साझेदारी का प्रतीक है। मतलब कि जो निर्देशक शिवा है वो कंटिन्यू अजीत कुमार को लेकर ही फिल्म बनाते हैं और वो फिल्म निश्चित रूप से ब्लॉकबस्टर हो जाती है, क्योंकि वीरम भी बहुत बेहतरीन फिल्म उन्होंने बनाई, वेदालम उससे भी बेहतरीन फिल्म बनाई और विवेगम भी सुपर डुपर हिट फिल्म बनी और ये उनकी चौथी प्रोडक्शन है विश्वासम। यहाँ अजीत की विश्वासम पर हमारी समीक्षा है जिसमें नयन तारा जगपति बाबू, थम्बी रमैया, योगी बाबू, रोबो शंकर और अन्य भी सह कलाकार हैं। विश्वासम का ये ट्रेलर का अंतिम शॉर्ट फिल्म की एक पंक्ति का सुझाव भी दिया था। और हाँ, एक तो बात निश्चित है कि विश्वासम एक पारिवारिक व्यक्ति थुकु दुरई के बारे में है जो अपनी बेटी और पत्नी को हर कीमत पर नकारात्मक ताकतों से बचाने का इरादा रखता है और वादा करता है। क्या उसने प्रतिपक्षी पर जीत हासिल की, यह आगे की बाकी कहानी बताती है। अजीत का परिचय दृश्य पूरी तरह से मार्ग निर्धारित करता है और बेसमेंट का निर्माण बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें किया गया है। फिल्म का पहला भाग उत्सव के मूड से भरा है क्योंकि उसमें गांव है, गांव के लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, गांव के पगडंडी है, नदी नाले दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन उसमें लगता है जो समग्र माहौल को मंत्रमुग्ध कर देता है। पहले हाफ की तुलना में दूसरे हाफ में कुछ कम अंकों के साथ गिरावट आई है। फिल्म के जो शुरुआत में जो ट्रेलर दिखाया गया था, जो हाई मोमेंट्स उसमें दिखा गया था, वही फिल्म में भी हाई पॉइंट्स बन जाते हैं। पारिवारिक भावनाएं अच्छी तरह से इस फिल्म में काम करती है और इसे ज़्यादा नहीं किया जाता है। थुकु दुरई के रूप में अजीत पूरी तरह से चमकते हैं और उनकी अलप्पा राई पूरी तरह से आनंददायक है। कहानी दो अलग अलग जगहों कोडू विरार पट्टी और मुंबई में घटित होती है और अजीत अपने अभिनय में काफ़ी भिन्नता दिखाते हैं। मतलब कि कोडू विरार पट्टी जो कि पूर्ण रूप से ये गवई का माहौल है, गांव का माहौल है, और मुंबई में एक घटना दिखाया जाता है पूर्ण रूप से मेट्रो सिटी है। दोनों को अलग अलग दिखाकर उसको एक साथ जोड़ा जाता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से शिवा ने ये काम किया है। उनकी मधुर बोली स्वाभिव्यक्ता और प्रामाणिकता को बढ़ाती है। हल्के फुल्के दृश्यों में अजीत अपने कैजुअल बेस्ट लुक में नजर आते हैं। जब भी पटकथा में गिरावट आती है अजीत एक तारणहार के रूप में सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनके आते ही एक अलग तरह का माहौल दर्शकों में हो जाता है। यह एक बात तो भूलना भी नहीं चाहिए कि अजीत थुकु के आखिरी हिस्से में थाला अजीत का सिंगल टेक डांस भी बहुत बेहतरीन काम करता है। दर्शक निश्चित रूप से उस हिस्से का खूब आनंद लिए थे। नयन तारा स्क्रीन पर चमकदार दिखती हैं और उन्हें एक सशक्त भूमिका भी इस फिल्म में निभानी थी, जो हर जगह यात्रा भी करती रहती है। बेबी अनिका खूबसूरती से भाव व्यक्त करती है, बहुत ही मासूमियत से वो किसी भी बात को बोलती है, कहती है, जिससे कि फिल्म में जाना जाता है। और अजीत के साथ उसकी केमिस्ट्री बहुत ही काम आती है। अजीत और अनोखा के बीच का खेल देखना दिलचस्प है, क्योंकि अजीत को ये शो करना था कि मैं उसका पिता नहीं हूँ, और अनोखी अनिका जो है उसको ये भी मालूम नहीं है कि ये जिसको मैं अंकल बोल रहा हूँ, ड्राइवर के रूप में जो कभी 10 दिनों के लिए उन्होंने काम किया था, ये हमारे पिता हैं। हास्य कलाकारों का पूरा समूह अपने सीमित समय के साथ अच्छा काम करता है। और इसका नकारात्मक पहलू ये है कि विश्वासम की कहानी न केवल बहुत पतली है बल्कि उपचार भी एक टेम्पलेट में है, और परिणाम स्वरूप आप आगामी दृश्यों की भविष्यवाणी करते हैं। कॉमेडी का एक निश्चित वर्ग अपेक्षित हंसी नहीं लाता है। अन्य व्यावसायिक सामूहिक मनोरंजनकर्ताओं की तरह विश्वासम में भी कमजोर लिखित खलनायक होने की समस्या है। यदि प्रतिपक्षी के पास मजबूत चरित्र चित्रण होता तो अजीत और जगपति बाबू के बीच आमना सामना
खूब ही रोमांचक हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस जगह पर फिल्म थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। प्रति पक्षी के क्रोध के पीछे का तर्क पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, क्योंकि प्रतिपक्षी ये कहता है कि थुकुदुरे की बेटी के कारण ही मेरी बेटी का ये हाल हो गया है, मतलब कि वो लकवाग्रस्त हो गई है, जो कि ये फिल्म को खूब ट्रैक पे जो एक होता है कि दर्शकों में एक उत्साह पैदा करता है कि ऐसा क्या हुआ था, जो कि बिल्कुल ही सिंपल और साधारण तरीके में इसे बता दिया जाता है, जो कि वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। और इसके आगे डी ईमान का संपादित बैकग्राउंड स्कोर दृश्य की तीव्रता को एक अलग स्तर तक बढ़ा देता है और क्रू में उनका नाम एक मूल्यवान अतिरिक्त है। गाने के प्लेसमेंट ने भी सौभाग्य से फिल्म के पक्ष में काम किया है। वेट्री के दृश्य फिल्म के लिए सामान्य रूप से सहायक है और अजीज के स्टारों को जमकर वहाँ पर बढ़ाते हैं। कन्नाना कन्नी गाने का फिल्मांकन एक पिता और बेटी के बीच की खूबसूरत भावनाओं को सामने लाता है। कुछ उल्लेखनीय शॉट्स अजीत और उनके प्रशंसकों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। निर्देशक के शिवा ने अपने इरादों को लेकर बहुत ही स्पष्ट है, जो पारिवारिक भावनाओं और अन्य तत्वों से भरा एक मनोरंजक ग्रामीण एक्शन ड्रामा प्रस्तुत करते हैं। वह है प्रशंसकों और पारिवारिक दर्शकों की नब्ज को समझते हैं और एक मनोरंजक उत्पाद पेश करते हैं। यह गलत नहीं होगा कि अगर हम अजीत और शिवा के संयोजन की चार फिल्मों में से विश्वासम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में लेबल करें। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विश्वासम को पारिवारिक दर्शकों और थाला अजीत ये प्रशंसकों को संतुष्ट करने के लिए सही व्यवसायिक तत्वों के साथ इसे पैक किया गया है। अजीत की विश्वासम भावनाओं और सामूहिक दृश्यों के साथ व्यवसायिक रूप से अच्छी तरह से जुड़